घर छोड़ने को मजबूर हुए दलित परिवार। घर के बाहर लगाया घर छोड़ने का नोटिस। यूपी में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी देखिए। यूपी में योगी राज है और योगी राज को ही राम राज कहा जा रहा है। राम राज में दलितों का क्या हाल है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं। घरों के बाहर नोटिस बोर्ड लगा है और उस पर जो लिखा है वो यूपी की कानून व्यवस्था और राम राज में दलितों की हालत की कलई खोलने के लिए काफी है। अरनिया से भाजपा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह व उसके गुंडों के अत्याचार से पीड़ित परिवार गांव देवराला से अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बुलंदशहर के देवराला गांव के रहने वाले चार दलित परिवारों के करीब 20 लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने अपने घर के सामने पोस्टर लगाकर आरोप लगाया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान कर रहे हैं। आए दिन वो उनके परिवार के साथ मारपीट करते हैं, इसलिए हम तंग आकर अपना घर बार छोड़ रहे हैं। पुलिस इस मामले में हमारी शिकायत भी नहीं सुन रही। पीड़ित ने पुलिस और बीजेपी नेता में सांठगांठ का भी आरोप लगाया है। पीड़ित दलित परिवार ने बताया कि 14 मई को मैकेनिक अचन कुमार और सचिन गौतम जब शाम को अपने घर आ रहे थे, उसी वक्त भाजपा नेता और अरनिया ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह ने अपने करीब 10 साथियों के साथ मिलकर उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया था। इस हमले में सचिन के सर पर गंभीर चोट लगी, वही अचन भी घायल हो गया। इस पूरे मामले में पीड़ित अचन के पिता विजेंद्र सिंह जो कि मजदूर हैं, उन्होंने बताया कि उनका पोता भाजपा ब्लॉक प्रमुख के घर के बाहर खेल रहा था। इस बात से नाराज होकर सुरेंद्र सिंह के पिता ने उसे मारा। इस बात का सचिन ने विरोध किया था और इस बात से सुरेंद्र और उसके पिता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सचिन और अचन पर जानलेवा हमला कर दिया। विजेंद्र ने बताया कि उन्होंने जब इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस वालों ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी। इस बात को लेकर जब समाज के 30-40 लोग थाने का घेराव करने पहुंचे, तब जाकर पुलिस वालों ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास यानी आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। यानी बीजेपी नेता की दहशत और यूपी पुलिस की लापरवाही के चलते देवराला गांव के दलितों का जीना मुहाल हो गया है। यूपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया और यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाया। यूपी कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, अरनिया से भाजपा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह व उसके गुंडों के अत्याचार से पीड़ित परिवार गांव देवराला से अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर। बुलंदशहर के गांव देवराला में लोगों ने ये बोर्ड अपने घरों के बाहर लगाए हैं। बाबा जी ये बोर्ड देखिए और भेजिए अपनी पुलिस उस गुंडे के दरवाजे पर, जिसकी वजह से लोग अपने पैतृक घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। अन्यथा ये स्वीकार कर लीजिए कि आपकी सरकार ने अपने माफियाओं को चिन्हित करके संरक्षित किया है। वीडियो वायरल हुआ तो अब यूपी पुलिस भी हरकत में आई। शिकारपुर थाने के इंस्पेक्टर कामेश कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले में अब तक भूरा सिंह, बबलू कुमार और गौतम कुमार जो कि तीनों देवराला गांव के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे जरूर रही है, लेकिन दलितों के दिल में बीजेपी नेता का खौफ इस कदर बैठ गया है कि वो घर छोड़कर जाने तक को तैयार है। इस पूरे मामले में पीड़ित विजेंद्र सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद उनके परिवार के साथ ही उनके समाज के लोग काफी डर गए हैं। ब्लॉक प्रमुख कभी भी हमारे ऊपर फिर से हमला कर सकता है, इसलिए हम अपने घर के सामने पोस्टर लगाकर घर छोड़कर जाने का फैसला कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के इन इलाकों में जब कथित तौर पर मुसलमानों से परेशान होकर हिंदू परिवार अपने घरों के बाहर घर छोड़ने के नोटिस लगाते हैं तो हंगामा मच जाता है। मीडिया चिल्ला चिल्लाकर उसे मुद्दा बनाती है, लेकिन जब इस इलाके में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी के कारण दलित परिवार पलायन को मजबूर हैं, तब मनु मीडिया के मुंह में दही जम गई है। मनु मीडिया बोले या ना बोले, लेकिन आपका अपना अम्बेडकरवादी मीडिया ऐसे मसलों को जरूर उठाता रहेगा। इसलिए आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। आपसे अपील है चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी कर सकते हैं।
साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।